हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी भगवान परशुराम का जन्मदिवस देश सहित हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। परशुराम जयंती पर शिमला के मिडल बाजार में ब्राह्मण सभा द्वारा कीर्तन भजन और भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज भी विशेष रूप से मौजूद रहे। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आज अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम जयंती और ईद जैसे त्योहार पूरे राष्ट्र में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। हालांकि यह त्योहार देश भर में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के द्वारा मनाए जा रहे हैं, लेकिन सभी का मकसद एवं संदेश आपसी भाईचारे को बढ़ाना और प्रेम का प्रचार प्रसार करना है। सुनिए और क्या बोले पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन जो है वो माना जाता है, अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है, क्योंकि हम जयंती नहीं इसे जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। भगवान परशुराम जी भी उन अवतारों में से हैं जिन्हें इस धरती पर जो है वो सशरीर जो है वो रहने का जो है वो माना जाता है कि वो आज भी अपने उसी रूप में जीवित हैं। हम सब भगवान परशुराम जिस काम के लिए इस दुनिया में आए और उन्होंने जो इस धरा पर रह करके जो है वो काम किया, जो ज्ञान लेना शस्त्र और शास्त्र का जो है वो पठन पाठन और उसका जो है वो संपूर्ण संसार में जो है वो उसको फैलाना, और जिस प्रकार से उन्होंने अन्याय का जो है वो विरोध किया, उसके अनुसार जो है वो हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें, तभी जो है वो हम भगवान परशुराम के सच्चे अनुयायी जो है वो माने जाएंगे। और आज ईद का भी दिवस है, तो दुनिया में ये सभी जो महापुरुष हुए हैं दुनिया में, चाहे किसी भी धर्म को किसी भी पंथ को मानते रहे हों, और हिंदू धर्म की ये खासियत है कि हमने तो हर एक धर्म को जो है वो स्वीकार किया है, कोई भी पथ है भगवान को प्राप्त करने का वो इसमें स्वीकार्य है। कोई ईश्वर को नहीं भी मानता है तो भी ये महर्षि जो है सनातन धर्म में माना गया है, इसलिए सहिष्णुता जो है वो हमारा गुण है। उसी अनुरूप आज ईद का दिवस है, ये भी एक मेल मिलाप का जो है वो दुनिया में शांति और सद्भाव का दिन माना जाता है, तो इसलिए सारी दुनिया जो है वो शांति के साथ जो है वो रहे और सद्भाव के साथ रहे, ये संदेश आज दिया है। न्यूज डेस्क ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।